गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हाई दिस इज़ योर तनविमेंस टूडे वी विल डिस्कस अबाउट अ सिंपल डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बच्चों डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में जिसमें हमने कुछ कंट्रीज़ का जिक्र किया था तो आपको उन कंट्रीज के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन मतलब समझ आ गया था इस चीज़ के बारे में कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है आज के लेक्चर में हम सिंपल डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और आपके कुछ और कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिस के बारे में आपकी बुक में बताया गया है जिसमें आपको डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक का जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं लेट अस गेट बैक टू अवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसिस चलो हम वापस चलते हैं अपने डिस्कशन में जो हम पहले कर रहे थे डेमोक्रेसिस में जो गवर्नमेंट है उसमें सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस क्या हैं वो एक सिंपल फैक्टर है जो कॉमन है सारी डेमोक्रेसिस में वो क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसको कौन चुनता है लोग चुनते हैं इसलिए हम इस सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और वो क्या है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो लोग हैं वो अपने रूलर को रिप्रेजेंटेटिव जो नेता है उसको खुद चुनते हैं यह हमारा एक यूजफुल पॉइंट है डेमोक्रेसी को समझने का जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ठीक है ये जो डेफिनेशन हमें डिस्कस की है जो हमने ये डेफिनेशन डिस्कस की है इसे हम इजी सेपरेट कर सकते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस जो ये डेफिनेशन में इसे हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं ना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनके डिफरेंसेस क्या हैं तो आपको पता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होगी जिसमें लोगों के पास अधिकार हैं और नॉन डेमोक्रेटिक कौन सी होगी जिसमें लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं है जैसे यहाँ यहाँ पर जिक्र किया गया है आपकी बुक पे द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यन्मार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल म्यांमार में कौन सा रूल था आर्मी रूल था वहाँ पे लोगों ने उसको जो आर्मी अपने जो रूलर था उसको इलेक्ट नहीं किया था वहाँ पे जो कंट्रोल करता था आर्मी को वही कंट्री का रूलर था वहाँ पे लोगों की नहीं सुनी जाती थी उनके डिसीजन को मायने नहीं रखा जाता था ठीक है फिर उसके बाद बात की गई है यहाँ पे डिक्टेटर्स की डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे पिनोशे जो डिक्टेटर थे वो कहाँ थे चाइल्ड में और उनको भी लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था ये सेम अप्लाई करता है मोनार्की की रूल को जो मोनार्की की रूल है वो कहाँ था सऊदी अरेबिया में सऊदी अरेबिया में जो किंग थे वो इसलिए वहाँ वहाँ रूल नहीं कर रहे थे क्योंकि लोगों ने उन्हें चुना था वो इसलिए वहाँ पे रूल कर रहे थे क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली में पैदा होते हैं मुनार की रूल हो गया जहाँ पे जो किंग है किंग के आगे किंग का बेटा होगा वो रूल करता है फिर उसके आगे जो बेटा होगा वो रूल करेगा मतलब इनकी जो रॉयल फैमिली में जैसे जैसे बेटे के आगे बेटा पैदा होगा बेटे के आगे बेटा वो क्या करेगा वो रूल करेगा मुनार के रूल में तो सऊदी अरेबिया में इसलिए वो किंग नहीं होते वहाँ पे क्योंकि वो कहते हैं लोगों ने उन्हें चुनाते वो इसलिए होते हैं क्योंकि रूलर वहाँ के क्योंकि वहां के जो क्या कहते हैं वो रॉयल फैमिली में पैदा हुए होते हैं दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट ये सिंपल डेफिनेशन इनफ नहीं है समझने के लिए डेमोक्रेसी को हमें और जरूरत है इसे और समझें या हम या हम बस ये रिमाइंड ये जो डेफिनेशन है हमें बस ये रिमाइंड करवाती है कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों का शासन है अगर बिना सोचे समझे हम इस डेफिनेशन को यूज़ करें तो हम इस बात पर आकर रुक जाएंगे जो हर एक गवर्नमेंट है जहां इलेक्शन होती है और और काफ़ी जगह जहां मिसलीडिंग होती है जैसे क्या किया जाता है ब्राइब्स दी जाती हैं लिकर दी जाती है या फिर डॉटी ट्रिक्स खेली जाती हैं जिसकी वजह से वो जैसे इलेक्शन के वोट्स हैं वो खरीद लेते हैं तो इस तरीके से मिसलीडिंग की जाती है हर गवर्नमेंट जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है जिसमें या फिर जो प्रटेंड करती है डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी के लिए हम ये फ़ीचर्स में अच्छे से समझेंगे जो आपको आपकी बुक में आगे हमने डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किस तरीके से जो कंट्री है वो किस तरीके से वर्क कर रही है और नॉन डेमोक्रेटिक में किस तरीके से वहाँ पे चलता है कैसे लोगों के लोगों की बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है वो हर एक चीज़ हम आगे फ़ीचर्स में और कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करके आपको अच्छे से उस चीज़ को समझेंगे ठीक है अब यहाँ पे डिस्कस किया गया था म्यन्मार के बारे में और चाइल्ड के बारे में तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में ये समझेंगे अच्छे से इस इन दोनों कंट्रीज के बारे में देखेंगे आपको पता है कि ये जो म्यन्मार और चाइल्ड है वो अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज बन चुकी हैं तो अब हमें वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे आर्मी रूल था फिर आर्मी रूल से वो किस तरीके से डेमोक्रेटिक में चेंज हुई और चाइल्ड में डिक्टेटरशिप थी तो डिक्टेटरशिप से वो कैसे डेमोक्रेटिक बनी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उस के बारे में जानेंगे अच्छे से जिससे आपका जो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक का जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए ओके बच्चों थैंक यू यून वगैरह इन सबसे उनको उसको कंसीडर नहीं किया जाता तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके से होता है ठीक है तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कंट्री देमोक्रेट्टि का आपको समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है और अगर अब बात की जाए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की जहाँ पे हमने लिया हुआ है एक सऊदी अरेबिया और नॉर्थ कोरिया को सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया में क्या होता है वहाँ पे मुनार की रूल है मुनार की रूल क्या हो गया मुनार की रूल जहाँ पे किंग जो है वो रूल करता है किंग के आगे किंग का जो बेटा होगा वो रूल करेगा इस तरीके से वहाँ पे जो मुनार की रूल मनार की रूल है ठीक है तो वहां पे क्या होता है वहाँ पे जो लोग हैं उनको आ, सिर्फ परमिशन है कि वो अपने मतलब सिर्फ इस्लामिक वो एक इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पे सिर्फ परमिशन लोगों को इस्लामिक ही इस्लाम को ही वहाँ पे जो इस्लाम रिलीजन है उसी को ही सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे और वहाँ पे बाकी सारे रिलीजन को प्रोहिबिटेड है बिल्कुल मना किया हुआ है कि वहाँ और कोई रिलीजन नहीं चल सकता वहाँ के लोग किसी और रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते वहाँ पे जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पे जो वुमेन्स है, उनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ है वूमेन्स को आ, वुमेंस जो हैं वो ड्राइव नहीं कर सकती बट स्टिल अभी 2018 से वहाँ पे वुमेन को ये राइट दिया गया है ड्राइविंग का बट स्टिल वो तो भी अगर उनको ड्राइव करना है तो वो अकेले ही ड्राइव कर सकती हैं किसी को साथ लेके वो ड्राइव नहीं कर सकती वहाँ पे जैसे आप गेम्स खेलते हैं फ़ोन पे वो वो खेलना मना है मतलब गेम्स टोटली बैन है वहाँ पे सऊदी अरेबिया में वहाँ पे पब्लिकली पिक्चर क्लिक करना या किसी बिल्डिंग की पिक्चर क्लिक करना ये बैन है किसी अगर आपको अगर किसी भी आपको अगर कोई बैंक अकाउंट खोलना है तो आपको अपने जो फैमिली का जो मेल हेड होगा उससे परमिशन लेनी पड़ेगी गार्डियन से उसके बाद ही आप वहाँ पे बैंक अकाउंट खोल सकते हैं तो वहाँ के जो रूल्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वहाँ पे कोई सिनेमा हॉल नहीं है वहाँ पे बर्थडे पार्टी नहीं कर सकते वहाँ पे जो गैदरिंग हम गैदरिंग करते हैं जैसे सारे बर्थडे पार्टी हुई तो सब मिलके के इकट्ठे वहाँ पर ये कुछ नहीं कर सकते आप वहाँ पे अगर आपको अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करना हो तो आप वो अपने घर पर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कर सकते हो वरना वहाँ पर वो भी अलाउ नहीं है तो वहाँ के रूल जो काफ़ी हैं स्ट्रिक्ट हैं और वहाँ पे जो किंग जिस हिसाब से उसको चाहिए वो उस हिसाब से उसने रूल जो है वो सेट किए और वो उसी के अकॉर्डिंगली पूरी कंट्री को वो जो रूल्स हैं वो मानने पड़ते हैं तो आपको यहाँ पर लगता है कि यहाँ पे लोगों के पास डेमोक्रेसी है यहाँ पे लोगों के पास आ, किसी भी तरीके से राइट दिया गया है कि वो कुछ भी अपने व्यूज़ रख सकते हैं या कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो अब बात की जाए अगर नॉर्थ कोरिया की जो नॉर्थ कोरिया तो वहां पे आपको आपने तो सुना ही होगा आजकल के न्यूज में कि जो नॉर्थ कोरिया है वहां, वहां की जो डिक्टेटर हैं वो कौन है आपको पता होगा कौन है किंग जो उन, उन, वो जो उन्होंने वो डिक्टेटर है, आपको काफी पता है कि वो 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 क्या है वो वहां पे उन्होंने वहां पे कैसा लॉ बनाया है वहां पे वो एक रिली, जोइ रिलीजन है जिसको फॉलो करते हैं जिसमें उन्होंने अगर किसी कोई भी अगर और कोई रिलीजन को फॉलो करता होगा तो वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं उन्हों वहाँ के जो ये डिक्टेटर हैं इन्होंने अप लोगों के लिए ए, सिर्फ अ, मतलब खुद ही कुछ हेयर कट्स हैं वो तक चूज़ करके रखे हैं कि वो ही हेयर कट्स वुमेन और मैन जो हैं वो ही हेयर कट करा सकते हैं उसके अलावा वो और कोई हेयर कट नहीं करा सकते ठीक है, है? वहाँ पर वहाँ पे जो बाकी मीडिया है मीडिया तक वहाँ पे बैन है जिसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है जिस मीडिया को वो ही मीडिया वहाँ पे आ, वहाँ पे वो करती है बाकी सारी मीडिया बैन की गई है स्पोर्ट्स कार वहाँ अलाउ नहीं है वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने क्या कहते हैं घर में क्या करते हैं वो अपने घर में आ, उनको आ, अपने जो लीडर है जैसे आपको पता किंग जॉन है उनको क्या करता है उनको क्या उनको अपने लीडर की जो है एक पोर्ट्रेट है उसको घर पे रख के उसी उस, मतलब उसी की पूजा करनी पड़े पड़ेगी ताकि आ, जो क्या कहते हैं उसी को वो अपना उनको गॉड मानना है और अगर इनकेस कभी ऐसा हो जाता है कि अगर किसी वजह से उनके पे आग लग जाती है या कुछ भी आ, आ, होता है तो उन्हें अपने जो ये लीडर है इसकी जो पिक पोर्ट्रेट होगा उसको लेकर उसको सेफली घर से अपने अपने सेफली रखना पड़ेगा घर से बाहर निकालना पड़ेगा बिकॉज अगर उसने ऐसा ये नहीं किया और अगर उसके जो लीडर है उसकी किसी वजह से वो नहीं निकाल सका उस पोर्ट्रेट को और वो अंदर आ गई जब घर जल गया तो अगर इस चीज के बारे में अगर गलती से भी उसके लीडर को पता चल जाता है जैसे किंग जॉन है उनको पता चल जाता है तो वो उसको उसको पनिशमेंट दी जाती है वहां पे लोकल फूड ही अलाउ है वहां पे जैसे आप बर्गर्स वगैरह ये सारी चीजें खाते हो वहां पे ये चीजें बैन है ठीक है वहां पे जो जो इवन जो टीवी चैनल्स भी हैं वो भी वहां पे जो उन्होंने किंग जॉन ने जो सिलेक्ट किए हुए हैं जो जिन जिनको अप्रूव दिया हुआ है वो ही टी वी चैनल चलते हैं उसके अलावा वहाँ पे और कोई टी वी चैनल नहीं चलता और अगर आपको किसी की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जानना है किसी भी लीडर के तो आप वो भी वहाँ पे नहीं पढ़ सकते सिर्फ आपको अगर पढ़नी है तो वो किंग जॉन के बारे में ही आप पढ़ सकते हैं ठीक है तो वहाँ पे वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है लोगों को कि वो सड़क में चलते हुए गा सकें अगर उनको किसी ने भी सुन लिया उनको सड़क में गाते हुए तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और वहाँ पे और, और अरेस्ट कर लिया जाएगा और और अरेस्ट करने के बाद जो ये पनिशमेंट है उनके आगे तीस जो तीन पीढ़ियाँ हैं थ्री जन नेशन है उनको भुगतनी पड़ेगी तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे डिक्टेटरशिप जहाँ चल रही है यहाँ पे लोगों के पास कुछ राइट है नहीं है तो यहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है आई होप बच्चों आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में क्या फर्क होता है ठीक है थैंक यू स्टूडेंट्स